ये गुप्ती देखिए कितनी एक्शन कर रही है यहाँ पे, बहुत सारे ड्रामे हैं इसके। ये देखिए, अब देखो इधर मुड़ गया है ना, आप देखो अभी और कुछ करेगा। देखो ये देखो, पूरी मस्ती में है, सलूट झाड़ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सब लोग बढ़िया होंगे बाबा मध्यमेश्वर की कृपा से। लेकिन मेरे दोस्तों ना, आप लोग खुद कमेंट में नहीं लिख रहे हैं कैसे हैं आप, और खुद मैं ही कह रहा हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आप लोग भी बताओ अपनी संत खबर हमें, और अपने स्वास्थ्य के बारे में बताओ कैसे कैसे आप लोग हैं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो दोस्तों, मैं गाँव से कुछ पहले, देखो यहाँ से मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव भी दिखता है, नदी भी दिखती है, और जो ऊपर का नज़ारा है ना मध्यमेश्वर क्षेत्र का, ये देखो। और आज मेरे ख्याल से आसमान कुछ मेहरबान हो गए हैं हम पे, तो थोड़ा काम भी कुछ इतना हो गया है, और मौसम ख़राब होने के कारण काम थोड़ा लंबा जा रहा है ये। पर लेकिन आज मौसम ठीक था, तो लगभग लगभग ये वाली दीवारें हमने उठा दी हैं। और अभी यहाँ पे मेंढक दिखा हमें, तो दिखा रहा हूँ। बावरे हिट, कितना बड़ा है मेंढक है, डर गया देख रहा है नीचे। छलांग लगाएगा यहाँ से, ये कितना बड़ा मेंढक है ना, देखो चीड़ का पेड़ है, इसमें देखो लंगूर हैं, और ये देखिए लंगूर यहाँ पे सुर्ख है, एक ये देख रहा है अंदर से, एक इस तरफ ये सोया हुआ देखो। और देखिए अभी भेड़ आने वाले हैं, हमने देखा था दूर से ना, तो काफ़ी टाइम के बाद भेड़ भी नीचे आने लग गए हैं। ऊपर देखो कोहरा लगा हुआ है, और वो इन हिमालयों में रहे हैं वो भेड़, ऐसे शुभ स्थानों में, और अब वहाँ ठंड बढ़ने लग गई है और वो गांव की तरफ आने लग गई। अब तो अभी मैं दिखा रहा हूँ पूरे भेड़ की टोली, कम से कम 1500 करीब करीब भीड़ है उनमें। आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है भीड़ों को, उसमें कुछ सामान भी लाएंगे, कुछ छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बीच में मैं ढंग से बना नहीं पाऊंगा वीडियो, तो आप देखते रहना। नमस्कार नमस्कार, आज उन्हें है भाई, पूरे लगोट हैं, बड़े बड़े सिंह वाले जो है ना, ये बकरियां, ये सामान भी ढोती हैं, इनमें भी कुछ अभी सामान ला रही होंगी कुछ बकरियां, आप देखते रहना। ये देखो मेंढा, और ये जो बड़े बड़ी बकरियां हैं ना, तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बकरियां। अभी देखिए एक बड़ा लगोट आ रहा है, वो अभी सामान ला रहा है, ये देखिए आप, तो यही पालसी लोगों के लिए सामान ले जाते हैं जो ये बड़े बड़े लगोटे हैं। अभी इनमें और भी आएंगे पीछे, तो पूरा राशन यही ले जाते हैं उन लोगों के लिए। और कितनी धुली हुई बकरियां, भीड़ देखो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, देखो साफ साफ, और उन खूबसूरत बुग्यालों में ये रही हैं, और वो बुग्याल चर के आ रही हैं, वहाँ ठंड बढ़ गई है। और ये अभी एक लगोट आ रहा है सामान ला करके, अब ये देख सकते हैं आप, देखो कितना वजन है इसके ऊपर, कम से कम 20 किलो यही ले जाते हैं पालसी लोगों के लिए सामान। अब ये गांव की तरफ चले जाएंगे अपने अपने घरों, जिसकी जो बकरी होगी तो वो मालिक खुद आ करके पालसी से मांग करके अपने अपने घर ले जाएंगे। और पीछे भी अभी आ रहे होंगे वो सामान वाले लगोट ना, तो आप देखते रहना इनमें। और पीछे आ रहा है एक, ये देखो जिसका काला पट्टा टाइप का है आगे से, ये देखो इसमें है। आप ये देख सकते हैं, देखो इन बकरियों में ये सामान भी जा रहा है, ले ये देखो कुछ सामान भी ले जा रहे हैं ये बकरियां।
आएला 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 आएला। और इस तरफ ये चले जाते हैं मई लास्ट में ऊपर की तरफ, और ये सीधा पहुंचते हैं पांडव सेरा नंदीकुंड तक। हजारों की तादाद में है ये भेड़ बकरी, इन भेड़ बकरियों के अहोभाग ऐसे खूबसूरत बुग्यालों में इनको चरने का जो अवसर मिलता है। ये टांगड़ा देखो, एक हुआ आज ये कुत्ता, ये बोटू बोटू कुत्ता। हेलो दादा, हेलो दादा। आज ये देखो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे बैडू, देखो टोली टोली चल रही है टोली। ये है गोटू कुत्ता, ठीक है। ओ हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? आगे आगे बुकिंग हो गया होटल बुकिंग। देखिए दोस्तों, इसकी थोड़ा हालत ख़राब है, बेचारा पाँव से लंगड़ा हो चुका है। अरे देखो बहुत मुश्किल से आ रहा है। और ये देखो छोटे छोटे बैडू भेड़ के बच्चे एक ही टोली में चल रहे हैं। देखो ये लंगड़े सब थके थके पीछे, देखो भाई ये देखो बैडू। ये देखो कुछ इसमें रखे हैं इन्होंने सॉल्ट में हैं। बैडू छोटे छोटे, कल कल परसों में हुए ये छोटे छोटे, देखो। और देखो हमारे घर के सामने जो लॉज के सामने फूल खिले हुए हैं। मैडम देखो ऊपर झाड़ी के अंदर है, आवाज़ करो जरा वहाँ से, कहाँ है तू? हैं वो बिच्छू घास ने खा ली वहाँ पीछे कनाली, बिच्छू घास। देखो आप देख रहे हैं ऊपर ये यहाँ पे, हेलो करो ना वहाँ से, क्या है वहाँ? दाल है, वहाँ पे दाल लगी है बहुत सारी। चलें वहाँ, क्या ऐसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा हमको और उस झाड़ी के अंदर जाना है। देखो वहाँ दिख रहे हैं ना अंदर, ये यहाँ पे, तो यहाँ चलना होगा जी हमको। देखो ऊपर दाल, कितनी झुड़कियाँ लगी है ना, बहुत सारी। देखो फूल और देखो दाल दाल दाल, बहुत दाल। करेला, करेला है ये, अभी ये मीठा करेला हो रहा है यहाँ, बाद में दिखाएंगे। राजमा के बजाय ये दालें बोल लेते हैं हम पहले ना, नहीं तभी क्या तो अच्छी होती है। ये सोंटा, सोंटा। अब यार बहुत सारी हैं दाल, देख लिया हमने, तो चलो घर चलना है। चलो चल रही घर, हाँ यहाँ से निकलो। यहाँ से निकलना पड़ेगा जी, बाबा देखो ये हैं अवान राजमा। देखो पूरी ख़राब हो रही ना, ये हो गई पूरी ख़राब राजमा, राजमा पूरी ख़राब हो गई। ये हैं माल्टे मौसमी, चलो चलें इसी खेत में। ये देखो होम स्टे के आगे, ये है होम स्टे,
और यहीं पे लगे हुए हैं माल्टे, ये देखो यहाँ बोले कि नहीं। अब जैसे ही जगह जरा जरा खाली हो रही है ना, देखो जबकि ऊपर की साइड पे पूरी ये है राजमा, लेकिन जो नीचे वाली साइड है ना खेत की, तो यहीं बो लेते हैं। ज़्यादा बड़े खेत नहीं है यहाँ, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अब सर्दियों की सब्जी तैयार कर रहे हैं यहाँ। यहाँ क्या बोना है? यहाँ पालक डाल दिया। हाँ। पालक डाल दिया। हाँ। तो चलो डाल दिया है पालक यहाँ, और ये हो गई यहाँ छटाई पूरी है ना। चले यहीं से निकलते हैं। कहाँ से जाए तुम? हाँ? मैं तो उधर गया था वीडियो बनाने के लिए। ये आराम से। अब देखो यहाँ से उतरना है ना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में। कहाँ जा रहे तुम? मैं अब जाऊंगा वीडियो अपलोड करने के लिए। उधर अभी जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने।